तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक हमारा वो है SSC MTS का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सिलेबस के बारे में मैं आपको A to Z जानकारी अभी देने वाला हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा A to Z हिंदी में टॉपिक 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 एक टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहता हूँ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी न्यूज़ लाते रहता हूँ, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, SSC MTS का हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, SSC MTS में दो पेपर होते हैं, अगर SSC की भाषा में बोलें तो Tier 1 और Tier 2। तो अभी मैं अभी पहले हम Tier 1 के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको Tier 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए Tier 1 में क्या होता है। Tier 1 में अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या करना है आपको, मतलब काल्पनिक प्रश्न आते हैं उसको आपको कंप्यूटर में टिक करना है। ठीक है, ये हो गया। तो अब Tier 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आप पेन और कॉपी से निबंध और पत्र लिखना जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप आगे बात कर लेते हैं। देखिए पहला पेपर जो होता है Tier 1 पहला पेपर, इसका देखिए SSC का एग्ज़ाम दो चरणों में किया जाता है। ऊपर में आपको देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, इस परीक्षा में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद Paper 2 में क्या होता है, इस परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव पेपर का आयोजन किया जाता है। Paper 1 में केवल वास्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे, यानी कि दोस्तों एक प्रश्न जैसे कि आप यहाँ पास देख रहे हैं, और ऐसे जैसे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको यहाँ पास चार ऑप्शन दिए रहेगा, उस चार में आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, Tier 1 में इस प्रकार के पेपर होगा, और ये पेपर कहाँ होगा, कंप्यूटर में होगा, यानी कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है ना, अब ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और जो संविधान के अनुसार 22 भाषाएं, उसमें भी आप लोग अगर जैसे उड़िया हो गया, तमिल हो गया, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास नीचे सबसे आखिरी में, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि दोस्तों अगर मैं सीधा बता दूं, अगर आप चार प्रश्न गलत करते हैं, ठीक है, चार प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग ऐसे नहीं कि हर प्रश्न को आपको टिक करना है, जिसके बारे में आपको जानते हैं उसी को टिक करके आना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। उसके बाद आप चलिए सीधा अब क्या करते हैं, आप Tier 1 का मैं पूरा सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होता है, 100 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है दोस्तों, चार सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है, 100 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें चार सब्जेक्ट आप लोग देखें, चार सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और हर एक प्रश्न क्या होता है, एक नंबर का होता है। ठीक है, चार सब्जेक्ट हैं, उसमें हर हर सब्जेक्ट से जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश से 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, और 25 नंबर हर एक प्रश्न एक नंबर का होगा। ठीक है ना, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपको। ठीक है, तो इसमें जो चार सब्जेक्ट हैं वो बता देता हूँ आपको, जर्नल इंग्लिश है, ठीक है, उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये रीजनिंग है, सिंपल गणित जैसे ही रहता है ये। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, दोस्तों ये अजीब टाइप नाम दे दिया, ये एक गणित है दोस्तों, गणित। ठीक है, 25 नंबर का आपको गणित आएगा, यानी कि 10वीं तक के जो लेवल के जो गणित होते हैं वो आपको इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यानी कि दोस्तों GK, ठीक है, जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के अंदर बहुत चीज़ आ जाते हैं, करेंट अफेयर भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो अब देखिए जनरल इंग्लिश, इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या विषय पढ़ने सब इंग्लिश के अंदर, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यार थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर बन कर लेना भाई, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जनरल इंग्लिश के बारे में, इसमें कौन कौन से आपके क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस, ठीक है दोस्तों, तो देखिए उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की मूल बातों की समझ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपको देखिए शब्दावली है ना, वोकैबुलरी, व्याकरण, ग्रामर, वाक्य की बनावट, ठीक है, उसके बाद समानार्थक शब्द, विलोम और इसके सही उपयोग। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की अंग्रेजी लेखन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का होगा, ठीक है, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपको ये सभी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है ना, अब उसके बाद मैं आपको जो अगला है वो बता देता हूँ, इसमें है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि दोस्तों रीजनिंग क्या होता है दोस्तों, आपको बेसिक से बता देता हूँ। रीजनिंग जैसे कि एक ट्रेन है,
और एक ट्रेन की लंबाई है और वो 1 घंटे के अंदर यहाँ 400 किलोमीटर चली जाती है, तो 12 घंटे में कितनी जाएगी। इस टाइप का जो प्रश्न होता है दोस्तों वो क्या होता है रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम रीजनिंग तो हम क्या करेंगे, अब आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना है इस गैर मौखिक प्रकार, ठीक है, समानताएं और भेद, खाली स्थान भरना, समस्याएं, समाधान, तर्क शक्ति, विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्णय क्षमता, विवेकशील अवलोकन, अवधारणा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पास साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, रक्त संबंधी आकृति वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणों विश्लेता विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने के लिए उम्मीदवार की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए प्रश्न भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में अब जो हमारा जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है यानी कि गणित है, गणित के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको गणित के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पास देख रहे हैं आप लोग SSC MTS मैथ्स सिलेबस, ठीक है, गणित के सिलेबस है। तो सबसे पहले इसमें आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ना है, पूर्ण संख्याओं की गणना पढ़ना है, दशमलव अंश संख्याओं के बीच संबंध, ठीक है, मौलिक अंक गणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, उसके बाद औसत पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, छूट पढ़ना है यानी डिस्काउंट, चार्ट का प्रयोग, क्षेत्रमिति पढ़ना है, समय और दूरी, अनुपात और समय, कार्य और समय, ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको गणित के अंदर पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपको फ्री में पढ़ना है, आपको बुक कहाँ से लेना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं इसको, तो अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो आपको RS अग्रवाल का बुक पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पर, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। उसके बाद दोस्तों आपका आखिरी वाला बचा हुआ है वो है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK दोस्तों। ठीक है, तो आपको देखिए अब मैं आपको GK बताने वाला हूँ, GK के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए GK के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ करेंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न इस करेंट अफेयर से आते हैं, तो आप लोग करेंट अफेयर यानी कि जैसे कि वर्तमान में ओलंपिक्स हुए हैं, तो ओलंपिक्स में कुछ किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, भारत ने कितने मेडल लाए ओलंपिक्स में, तो ये जैसे ये करेंट होता है एटा करेंट अफेयर जो वर्तमान में घट रही है उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी, इसके लिए आपको न्यूज़ पढ़ना डेली और डेली न्यूज़ देखना है। तो देखिए अब जनरल इसमें GK में आपको क्या क्या पूछेगा देख लेते हैं। देखिए खेल पहला खेल ही दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे आपको, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, भारतीय साहित्य, सामान्य, राजनीति, संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है आपके GK के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको मैं पूरा चीज़ बता दिया हूँ यहाँ पास, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी कैसे करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया Tier 1 दोस्तों, जब बता दूँ अगर आप Tier 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि पास कर लेते हैं तभी आपको Tier 2 में प्रवेश मिलेगा, यानी कि आपको Tier 1 अगर आप नहीं पास नहीं कर पाए तो Tier 2 में आपको नहीं बैठने मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने Tier 1 पास कर लिया उसके बाद क्या होता है Tier 2 होता है, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले लें। तो देखिए Tier 1 में क्या होता है, आपको पेपर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में सेट किया जाएगा, यानी कि दोस्तों संविधान के अनुसार जो 22 भाषाएं हैं उनमें से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी उर्दू, मलयालम, उड़िया, जो भी है ना, तो उसमें से आपको एक में पत्र लिखना है या फिर निबंध, दोनों में से एक लिखना है, पत्र या निबंध। अगर आपने हिंदी भाषा सेलेक्ट किया है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, Paper 2 क्वालिफाई होगा, Paper 2 में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40 अंक लाने होंगे और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 35 अंक लाने होंगे, यानी कि दोस्तों जो सामान्य वर्ग है जनरल वाले उनको 40% लाना अनिवार्य है। ये दोस्तों ये जो Tier 2 होता है, ठीक है, SSC सिलेबस का सेकेंड पेपर होता है वो होता है 50 नंबर का, और 50 में अगर आप जनरल हैं तो आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा है ना पास होने के लिए, और अगर आप दूसरे कास्ट से हैं ST SC OBC हैं तो आपको 35 अंक या फिर 40 अंक भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ क्या होता है कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सभी जानकारी दे दी है, और उसके बाद हम
आपको तैयारी करना चाहिए तो लगातार आप पढ़ते रहिए और लुसेंट का बुक ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है ना। और कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं ये भी मैं आपको वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं SSC MTS की तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए अपना प्यार बना रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।